नमस्कार दोस्तों, LIC द्वारा क्लॉबैक क्लॉज को अपने सर्कुलर में लाए एक महीना होने को है, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों के बीच क्लॉबैक क्लॉज चर्चा का विषय बना है। LIC और अन्य इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा क्लॉबैक क्लॉज को लागू करने की योजना के बारे में जानने के बाद लाखों एजेंट्स को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसे भी जो एजेंट अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन इंश्योरेंस कंपनीज की सेवा में दे चुके हैं, उम्र के इस पड़ाव में अब वो कहां जाएंगे? बेशक इस क्लॉज के पूरी तरह लागू होने के बाद भी एजेंट अपना कार्य कर पाएंगे, लेकिन अगर वो पहले की तरह कमा ही नहीं पाएंगे तो ये स्थिति बेरोजगारी ही लाएगी। क्लॉबैक क्लॉज को लाना एजेंट्स को बेरोजगार करने के समान ही है, बस अंतर इतना है कि उन्हें सीधे तौर पर निकालने के बजाय ये क्लॉज लाकर उन्हें काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। नियमों को देखकर ऐसे लगता है कि IRDAI इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स की भूमिका को कम या खत्म करना चाहता है, इसलिए IRDAI ने एजेंट बनने पर मिलने वाले आकर्षक कमीशन को घटाया है और नियमों को पहले से काफी सख्त किया है। इससे एक और पुराने एजेंट्स का अपनी बीमा कंपनी से मोह भंग होगा, वहीं दूसरी तरफ नए लोग भी इंश्योरेंस एजेंसी को करियर के तौर पर नहीं देखेंगे। ये बात IRDAI भी अच्छी तरह जानता है। बेशक ये बात स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन IRDAI की तैयारी तो इसी ओर लगती है। आने वाले समय में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े नियमों और कमीशन में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं और ये IRDAI की प्लानिंग का ही चरणबद्ध हिस्सा होगा। IRDAI ने मास्टर सर्कुलर के अंतर्गत अभी जो बदलाव किए हैं उनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब एजेंट्स को आगे भी इस तरह के कड़वे घूंट पीने के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर IRDAI एजेंट्स के खिलाफ कड़े कदम क्यों उठा रहा है? दरअसल IRDAI का 2047 तक का लक्ष्य है हर नागरिक के पास जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवर हो। इस राह में IRDAI के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि देश में प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेने और इसे चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में IRDAI के सामने इंश्योरेंस प्रीमियम को कम से कम रखने की चुनौती है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इंश्योरेंस का लाभ उठा सके। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम को महंगा करने वाले एक्सपेंसेस की बात करें तो IRDAI की टेढ़ी नजर एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन पर है। IRDAI और इंश्योरेंस कंपनी जानते हैं कि अगर वो इस कमीशन को बचा लें तो प्रीमियम को कम करना काफी हद तक आसान हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी जानते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट के बिना काम करने पर उनका काम ठप हो सकता है। अगर इंश्योरेंस कंपनीज को इसमें सफल होना है तो इसके लिए उन्हें एजेंट्स की जगह दूसरा सिस्टम खड़ा करना होगा, जो करना काफी जटिल है और इसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी वो भी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन IRDAI जानता है कि उसे अपने लक्ष्य को पाना है तो ये दाव तो खेलना ही पड़ेगा, इसलिए IRDAI दोहरी रणनीति के साथ काम करते हुए पॉलिसी सेल करने के परंपरागत तरीकों की जगह नए तरीकों पर भी तेजी से काम कर रहा है। IRDAI की पूरी कोशिश होगी कि इंश्योरेंस कंपनीज की एजेंट्स पर से निर्भरता को कम किया जाए। IRDAI ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। एजेंट्स की बात करें तो एजेंट्स का मानना है कि उनके बिना बीमा कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। अपनी जगह उनका ये सोचना सही भी है, लेकिन IRDAI कुछ और ही करने की तैयारी में है। आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने और सर्विस देने के लिए परंपरागत तरीकों की जगह नए तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज वैसे ही कार्य करेंगी जैसे बैंक कार्य करते हैं। पहले पॉलिसी बेचने और सर्विस देने से संबंधित सभी कार्य मैन पावर यानी एजेंट्स पर आधारित होते थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी और फिर जो परंपरा बन गई लंबे समय तक उसी का पालन किया गया। IRDAI के मार्गदर्शन में इंश्योरेंस कंपनीज ने इस दिशा में कार्य करना भी शुरू कर दिया है। इसके कुछ उदाहरण है। नंबर 1, अब LIC के एजेंट क्लाइंट के पास गए बिना कहीं से भी पॉलिसी सेल कर सकते हैं। नंबर 2, अब पॉलिसी डिजिटल फॉर्म में जारी होगी, यानी एजेंट को पॉलिसी होल्डर के पास पॉलिसी बॉन्ड और बाकी डॉक्यूमेंट देने जाने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 3, बीमा सुगम, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने से लेकर मैच्योरिटी तक सभी सर्विसेज ऑनलाइन घर बैठे पा सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट के मामले में नेट बैंकिंग के द्वारा अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से जुड़े सभी काम घर बैठे खुद कर लेते हैं, उसी प्रकार की सुविधा इंश्योरेंस कंपनी भी अपने पॉलिसी होल्डर को देगी। इस प्रकार कंपनी की एजेंट्स पर से कई कार्यों के लिए निर्भरता काफी कम हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज के सामने एक ही चुनौती होगी और वो होगी एजेंट के बिना अपने प्रोडक्ट बेचने की। यहाँ पर अगर इंश्योरेंस कंपनीज कम मैन पावर के साथ कॉल सेंटर या डिजिटल मार्केटिंग आदि के माध्यम से एडवर्टीजमेंट आदि पर फोकस करते हुए और कम प्रीमियम में बेहतरीन सुविधा देती हैं, तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। इन सब चीजों को नई टेक्नोलॉजी के साथ करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन समय के साथ उसमें उन्हें सफलता मिल सकती है। इस प्रकार अगले 3 से 5 साल के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के कार्य करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है,
कि क्या LIC और अन्य इंश्योरेंस कंपनीज बिना इंश्योरेंस एजेंट के अपने दम पर पॉलिसी बेच पाएंगी या इसमें असफल रहेंगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।